और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज के करंट अफेयर लेकर के। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली करंट अफेयर पाने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों आज बात करते हैं आज की करंट अफेयर के बारे में। तो पहला करंट अफेयर आपका आ रहा है नीति आयोग से। नीति आयोग आपको पता है भारत का पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसकी जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया था मोदी सरकार के आने के बाद। और नीति आयोग ने हाल ही में क्या किया है, ग्लोबल हैकथन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये एक लॉन्च किया है। अब है क्या ये एक्चुअल में क्या, नीति आयोग ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले एक जो मुहिम चलाई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल, उसी मुहिम का हिस्सा ये है ग्लोबल हैकथन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है परलिन, उस परलिन के साथ इन्होंने क्या किया है अपना पार्टनरशिप की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा जो भारत को मजबूत बनाने के लिए एक उन्होंने MOU साइन किया है। तो ये दोस्तों आपका करंट अफेयर पहला बन रहा था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नीति आयोग ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मुहिम शुरू की है, तो ये आपका आंसर हो सकता है दोस्तों। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है वो आ रहा है भारतीय रेलवे से। भारतीय रेलवे ने दोस्तों हाल ही में क्या किया है, 16 दिनों का एक तीर्थ यात्री जो टूर है वो लॉन्च किया है। ये उसको नाम दिया है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट। ये 16 दिन का टूर है दोस्तों और इसमें आपके जो डेस्टिनेशन होंगे यानी जो जो स्टेशन ये कवर करेगा वो है दिल्ली, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वाराणसी, लुम्बिनी, कुशीनगर, सरस्वती एंड आगरा। इन सभी स्टेशनों से होकर के ये जाएगी। स्पेशल जो हमारे बौद्ध यात्री हैं उनके लिए ये एक तोहफे की तरह है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, अगर जैसे आपको पता है गया के अंदर, बिहार के अंदर बौद्ध का जहाँ पे उनको भगवान बुद्ध को क्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ तक के लिए ट्रेन ये चलाई गई है। 16 दिन का ये इसका सफ़र रहेगा, तो कोई भी इसका लाभ ले सकता है। अगला करंट अफेयर आ रहा है दोस्तों आवेंद्र 2018, इसका दूसरा संस्करण जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। अवेंद्र 2018 है क्या, ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि अवेंद्र क्या चीज़ है। एक्चुअल में अवेंद्र क्या है, एक युद्ध अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अपनी कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ हमेशा करती रहती है, और भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस की जो एयरफोर्स के बीच में अवेंद्र 2018 का ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इससे पहले हो चुका है और अभी ये दूसरा संस्करण अपने जोधपुर के अंदर हो रहा है, 21 दिसंबर तक ये चलेगा दोस्तों। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि अवेंद्र, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों हाल ही में एक हमारी जो उत्तरी पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 23वां जिला एक नया जिला बना है जिस जिले का नाम है शियोमी। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप ध्यान में रखिए। जो वहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो है पेमा खांडू, और वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट किरण रिजू। इन दोनों रिजू ने दोनों ने क्या अनाउंसमेंट की है इस जिले के बनने की। 23वां जिला है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है और वहाँ के राज्यपाल कौन से हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में क्या हुआ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने की क्या, एक महिला हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है 181, और ये 24 घंटे चलेगा दोस्तों, 24 घंटे चलेगा महिला हेल्पलाइन नंबर 181, जिसमें महिलाओं के लिए जितने भी सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम प्लस उनका उनको न्यायिक सेवा के बारे में जानकारी मिलेगी, और कोई भी घरेलू हिंसा या सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ होता है तो उनकी जानकारी वो क्या है 181 पर टोल फ्री नंबर पर दे सकेंगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। CBSE से आ रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE भारत का बहुत बड़ा बोर्ड है, अपने जो परीक्षाएँ करवाता है, और ये एक परीक्षा करवाता है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस बार सबसे बड़ा इन्होंने क्या किया है, CTET करवाया, सबसे बड़ा इन द सेंस सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इस बार इन्होंने
क्या किए हैं इसमें शामिल हुए हैं, और ये तकरीबन 2144 सेंटरों पर और 92 सिटीज़ के अंदर भारत में ये परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। तो ये अपने आप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इस बार सबसे बड़ी जो है परीक्षा ये करवा रहे हैं। तो इसके चेयरपर्सन जो CBSE के हाल ही में हैं, जो अनीता करवल जी है, और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली के अंदर है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है RBI से। RBI ने डिजिटल लेन देन, जितने भी हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके लिए एक नया लोकपाल लाने की वो सोच रही है, और उनका कहना है कि ये लोकपाल जो है 2019 में आ जाएगा दोस्तों। 2019 में ये लोकपाल लाने की सोच रही है, तो जिससे क्या होगा, तो दोस्तों RBI ने क्या किया है, एक नया लोकपाल लेकर के आ रही है 2019 में। ये लोकपाल है अपना डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं उसके बारे में। आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए वो एक नया लोकपाल यानी एक नया कानून लेकर के आ रही है RBI। ये 2019 तक लॉन्च कर देगी, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है हम सबके लिए। ये आपका करंट अफेयर भी बन सकता है। हाल ही में जो इससे जुड़ा करंट अफेयर जो हमने कल डिस्कस किया था, वो उर्जित पटेल ने क्या किया था, रिज़ाइन कर दिया था 10 दिसंबर को, यानी कल के दिन, और जिनको गवर्नर बनाया गया था, बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये गवर्नर रहे हैं। और RBI का जो हेडक्वार्टर है हमारा, वो मुंबई के अंदर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, वो आ रहा है मिस्टर सुपर नेशनल 2018 बनाया गया दोस्तों। मिस्टर सुपर नेशनल 2018 ये है क्या, ये एक तरह का क्या है, एक तरह की प्रतियोगिता है जो इंडिया में सबसे पहले, अभी तक इंडिया में और एशिया में सबसे पहले ही जीती है। इंडिया के एक बंदे ने, गोवा के हैं प्रथमेश मुलिंकर नाम का एक शख्स है, जिसने ये फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन ये हुए हैं, इनको गौरव प्राप्त हुआ है। मिस्टर सुपर नेचुरल का टाइटल इन्होंने जीता है, जिसमें 37 कैंडिडेट ये भाग ले रहे थे, और ये पोलैंड के अंदर ये प्रतियोगिता हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये बनता है, और ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर, जो नियर बाई जितने भी एग्ज़ाम आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों पहली बार हो रहे हैं, और जो फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ किया है, तो वो क्वेश्चन तो आपका पक्का आने ही वाला है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने DMK की संसद। DMK आपकी एक पार्टी है, जिसका पूरा नाम है द्रविड़ा मुनेत्रा कजगम। तो ये एक तमिलनाडु की पार्टी है, साउथ इंडियन की पार्टी है। तो उसकी एक सांसद है कनीमोझी को बेस्ट वुमेन सांसद का पुरस्कार जो है वो मिला है हाल ही में। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो बाकी और भी क्वेश्चंस जैसे जैसे हमारे को मिलते रहेंगे, वैसे वैसे हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका जो है कहाँ से बन रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वसीम खान को PCB का नया MD बनाया गया दोस्तों। अब ये वसीम खान कौन है और PCB क्या है। वसीम खान को एक MD बनाया गया, किसका, PCB का। PCB है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसे इंडिया की BCCI है, वैसे वहाँ की PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका एक नया MD बनाया गया। तो अक्सर पाकिस्तान के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वहाँ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर के बारे में, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है हमारा रक्षा क्षेत्र से। अग्नि 5 का जो है सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि 5 का ये पूरा अपने आप में, वैसे तो 7वीं बार परीक्षण हो रहा है, और 7 बार इसका परीक्षण हो चुका है, लेकिन पिछले 6 महीने में ये दूसरा परीक्षण है जो सफलतापूर्वक हो गया है। और ये हुआ है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारा आइलैंड है, जो बंगाल की खाड़ी में, वहाँ उस तरफ से इसको क्या किया गया है, जो लॉन्च किया गया था। ये ब्लास्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली, यानी थल से थल मार करने वाली है हमारी अग्नि 5 मिसाइल। इसका क्या हुआ है, अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन ने दोस्तों एक बहुत ही मुकम्मल खोज की है, जिसका नाम तो अभी वो अपना पेटेंट करवाएंगे, लेकिन वो खोज किसके बारे में है, उन्होंने एक रीन्यूएबल पेपर जो है उसका निर्माण कर लिया है, यानी पुनः इस्तेमाल किया जाने वाला पेपर उन्होंने विकसित किया है। वहाँ की फुजियन नॉर्मल यूनिवर्सिटी है चाइना की, वहाँ के साइंटिस्ट ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है।
ये पेपर एक तरह का खास पेपर है जिसको 100 बार यूज़ किया जा सकता है, बार बार, यानी इसको एक बार यूज़ करने के बाद इस पर इसको क्लीन किया जा सकता है अलग अलग टेम्परेचर यानी तापमान अलग अलग करके इसको 100 बार क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो ये अपने में बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग खबर है। तो दोस्तों ये सारे थे आज के करंट अफेयर्स, और इसी तरह से करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।